हेलो हाय, माय नेम इज दिनकर और आज हम करने वाले हैं ले एंड लाइक अ कंफ्यूजन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। तो बहुत ही सिंपल है, ले इसका मतलब होता है कोई चीज रखना एंड लाइक इसका मतलब होता है रिलैक्स, जस्ट लाइक द पर्सन, इट्स हिज टाइम टू रिलैक्स। ओके, ले टू पुट समथिंग एक्चुअली काफी नॉन लिविंग है, वो मजा नहीं आया। एंड लाइफ ये एक लाइफ प्रोसेस है, जरूरी है और लिविंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ले के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ले के बाद हमेशा आता है, जैसे द पेंटर ले हिज ब्रश ऑन द टेबल, ऑब्जेक्ट। आई ले दिस मार्कर ऑन कैमरा, लाइ लाइ आई। एक्चुअली इसमें जो भी होता है वो अपने ऊपर ही होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और जनरली डाउन होता है इसके बाद। द पेंटर लाई डाउन फॉर अ नैप, नैप एक छोटी नींद को कहते हैं जो आप खाना खाने के बाद, इट्स गुड फॉर योर हार्ट, लेते हैं। एंड लाइ माई मदर टोल्ड मी नॉट टू लाई, माई फ्रेंड लाइड टू मी अबाउट हिज मार्क्स। तो ये वाला लाइन इसका मतलब होता है झूठ, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। इट्स अ विशियस साइकिल, कहते हैं ना एक लाइन के बाद बहुत सारे लाइन बोलने पड़ते हैं, तो ये वाला लाइन है। कंफ्यूजन, ले और लाइन में एक कंफ्यूजन है। लाइन का पास्ट टेंस सिंपल पास्ट ले है, ले लेड लेड, लाइन ले लेड। देयर इज स्मॉल कंफ्यूजन, मगर ध्यान रखिएगा सेंटेंस में जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ले यूज करते हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट नहीं आता या फिर डाउन आता है तो ला यूज करते हैं, जिसका पास्ट टेंस है ले। तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ओह, सो लेट्स डू यूज इट। यूज इट से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ना वर्ड्स को किसी भी तरीके से यूज किया जाता है। सो पहला एग्जांपल देखते हैं। कुड यू ले और लाई कुकीज आउट ऑफ नॉट टेबल, तो सही जवाब क्या होगा, ले। क्यों, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉन लिविंग कुकीज, तो ले। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन छुपा हुआ था इस सेंटेंस के अंदर। सेंस इट, हमेशा इस चीज को सेंस करिए जब भी आप इंग्लिश कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो व्हाई, आई एम गोइंग टू ले और लाई डाउन फॉर एन आवर, डाउन लाई। द बेबी इज लेइंग और लाइंग इन द स्ट्रॉलर इन द हॉलवे, तो बेबी है वो किसी चीज को रख तो पाएगा नहीं, तो देर इज लाइंग, लिविंग प्रोसेस। दे हैव लेड लेन द ग्रास बट हैव नॉट वॉटर्ड येट, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो एंड वॉटर, सो दे हैव लेड। Are you scared? No, let's practice. I lied on the sofa for a while, but I didn't feel asleep. Sofa, lie. Past tense, lay. Past, lay. Remember, lie का past lay होता है। My neighbor lied to me. I hate them. My neighbor lied or late about the cost of the fence material. So, lied. यहां पर ये झूठ बोलने वाला lie का यूज किया है। The envelopes have been lying on my desk since Friday. So, have been lying. ले हम यूज करते मगर हमें यही नहीं पता किसी ने पुट करे हैं या नहीं। Is it okay if my grandma lays or lies down on this bench? So, lies. एस यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर की वजह से। सो कुछ लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। द चिकन्स हैव लेड आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। आई एम सनबर्न, आई एम आउट इन द सन ऑल डे येस्टरडे, ले आउट। लाइक का
पास्ट फॉर्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन से कंक्लूजन। ले के बाद ऑब्जेक्ट आता है और लाए के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, और इसी की पास्ट फॉर्म होती है ले। इसका मतलब होता है रेस्ट करना, और इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।